नमस्ते, मेरा नाम है सुमित और बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू लेकर आया हूं मैं आपके लिए। और बात करें कल के एपिसोड की, तो फाइनली बिग बॉस ट्रांसपोर्ट टास्क अब ख़त्म हो चुका है और इस टास्क को असीम की टीम ने जीत लिया है। और इस टास्क के दौरान हमें कई सारी लड़ाइयाँ देखने को मिली थी और सबसे जो इसमें पॉपुलर जो लड़ाई थी वो थी सिद्धार्थ शुक्ला और माहिरा शर्मा के बीच, जो टास्क के दौरान हुई थी जब एक गोनी को खींचते समय माहिरा शर्मा गिर गई थी और उसके लिए सिद्धार्थ शुक्ला को बिग बॉस ने 2 हफ्तों के लिए नॉमिनेट कर दिया था। और कल भी एक बार फिर से माहिरा शर्मा सिद्धार्थ शुक्ला से झगड़ते हुए नज़र आई और हमने देखा कि उस झगड़े में हालांकि माहिरा शर्मा को बीच में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन माहिरा शर्मा सिद्धार्थ शुक्ला को देखकर या उनकी उनसे जुड़ी कोई भी बात जब वो सुनती हैं तो वो अपना आपा खो बैठती हैं और वो उनसे झगड़ने लगती है। और इस बार जो हुआ था टास्क के दौरान ही पारस छाबरा को उंगली में चोट लग गई और जब ये बात माहिरा को पता चली तो माहिरा आग बबूला हो गई और वो सिद्धार्थ से झगड़ने लगी। वो पारस से कहने लगी कि तुम्हें भी छीना झपटी करनी चाहिए, तुम्हें भी अगर वो कोई धक्का देता है तो तुम्हें भी मारना चाहिए। हालांकि जब ये बातें हो रही थी तब जो भाव हैं उन्होंने बीच में बोला और उन्होंने माहिरा से कहा कि माहिरा आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए, ये बात पारस और सिद्धार्थ के बीच की है और उन्हें ही इस बात को सुलझाने दीजिए। भाव के बोलने के बाद या भाव जब ये बात कर रहे थे तभी बीच में सना भी आ गई और सना भी माहिरा से कहने लगी कि माहिरा ये सिद्धार्थ और पारस की बात है तो उन्हें ही इस बात को सुलझाने दीजिए। और जब सना ने ये बात कही तो माहिरा को ये बात सना की काफ़ी ज़्यादा बुरी लग गई और वो घर में चली गई और पारस से कहने लगी कि तुम सना को समझा दो, वो मेरे बीच में ना बोला करे। और सना भी उस दौरान घर में चली गई माहिरा के पीछे और सना यही कह रही थी कि माहिरा से कि आप जब सिद्धार्थ और या फिर किसी की भी लड़ाई हो तो आप बीच में ना बोला करें, दो जन या तीन जन जिसके भी बीच की वो लड़ाई है उसे ही बोलना चाहिए। इस सब के बाद सिद्धार्थ शुक्ला और असीम जिनकी टीम अब धीरे धीरे छोटी होते जा रही है, सना उनकी टीम छोड़ चुकी हैं, अब उनके पास उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई है, वो है ऑपोजिशन टीम को टीज करना। तो जब पारस और माहिरा और सना जब लिविंग एरिया में बात कर रहे थे तो असीम ने क्या किया कि वो बाहर खड़े हो गए और देख रहे थे कि उनके बीच क्या बातें हो रही हैं। हालांकि असीम को ज़्यादा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस खाली वो एक जो मेंटल एक प्रेशर होता है कि मैं आपकी बातें सुनने आया हूँ, आप क्या बातें कर रहे हैं, तो इसी तरीके का कुछ दबाव बनाने की कोशिश शायद अब असीम और सिद्धार्थ की है। तो ये सारी बातें ख़त्म हुई और उसके बाद हमने देखा भाव एक बार फिर से जो अब एक एंटरटेनर के रूप में घर में उभर रहे हैं और माना भी जा रहा था कि वो एक घर में सबको आएंगे तो वो सबको एंटरटेन करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो सना की जगह लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि तस्नीम पूनावाला का उन्होंने एक मिमिक्री किया, एक मजाक उड़ाया था और फिर पारस के बारे में भी उन्होंने कुछ चीज़ें बोली थी जिस पर लोग काफ़ी हंसे थे। तो कल के एपिसोड की हम बात करें तो कल उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला की नकल उतारी और जब वो नकल उतार रहे थे तो सिद्धार्थ शुक्ला वहाँ पर मौजूद थे। सिद्धार्थ शुक्ला के साथ वहाँ पर हिमांशी भी थी और शिफाली जरीवाला भी थी। तो भाव ने सिद्धार्थ शुक्ला की नकल उतारी और इस बात पर सब ने खूब हंसा और खुद सिद्धार्थ भी भाव के इस मिमिक्री को उन्होंने खूब एंजॉय किया और वो भी खूब हंसे। इस सब के बाद जो घर में एक बड़ा ट्विस्ट आया वो था रश्मि देसाई और देवोलीना को लेकर। कुछ दिन पहले ही रश्मि और देवोलीना को घर से एलिमिनेट कर दिया गया था और माना जा रहा था कि उन्हें एलिमिनेट नहीं किया गया है बल्कि वो सीक्रेट रूम में है। तो वो सीक्रेट रूम में थी या नहीं थी ये हमें नहीं पता, लेकिन उनकी फ़िलहाल घर में एंट्री हो गई है, बिग बॉस ने उन्हें वेलकम किया है। बिग बॉस के साथ साथ घर वालों ने भी रश्मि और देवोलीना का घर में स्वागत किया है। सब ने स्वागत किया लेकिन सिद्धार्थ और असीम ने रश्मि देसाई और देवोलीना के घर में आने से कुछ ज़्यादा खुश नहीं लगे और जब वो घर में आए तो पारस और माहिरा कुछ ज़्यादा ही खुश लगे। बाकी भी जो सदस्य थे वो रश्मि और देवोलीना से मिले, बातचीत की, उन्हें वेलकम किया। इस सब के बाद देवोलीना एक बार पारस के साथ थी और
वहाँ देवोलीना पारस से पूछने लगी कि तुम्हें ये उंगली में चोट कैसे लगी, और पारस ने एक बार फिर से सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लिया और बताया कि वो जो जानवर है उसने मेरी उंगली मतलब इंजर कर दी। ये बातें हुई और इसके बाद जो रश्मि देसाई जो सिद्धार्थ शुक्ला के हमेशा खिलाफ़ में रही हैं, हम कह सकते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला की घर में अगर सबसे बड़ी कोई दुश्मन है तो वो रश्मि देसाई हैं। न सिद्धार्थ उन्हें पसंद करते हैं, न रश्मि सिद्धार्थ को पसंद करती हैं। तो बात हो रही थी, वहाँ पर पारस बैठे थे, रश्मि थी, सना थी, और रश्मि पूछ रही थी कि मेरे जाने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला का क्या रिएक्शन था। सना ने तुरंत कहा कि सिद्धार्थ तो बहुत खुश हो गया था। हालांकि मुझे ऐसा याद नहीं है कि सिद्धार्थ ने रश्मि के घर से बेघर होने के बाद कोई खुशी मनाई थी। सिद्धार्थ ने तो यही कहा था कि ये दोनों की फिर से एंट्री होगी। इस सब के बाद एक बार घर में फिर से बात हो रही थी सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर, जहां पर शिफाली जरीवाला आरती से बात कर रही थी और आरती उनसे कह रही थी कि सिद्धार्थ का बिहेवियर मुझे पसंद नहीं आ रहा है, सिद्धार्थ मुझे लगातार इग्नोर कर रहे हैं। इस सब के बाद सिद्धार्थ भी हिमांशी और शिफाली से बातें करते हुए नज़र आए कि मुझे अब आरती पर भरोसा नहीं है और मैं उससे सीधे जाकर कहने वाला हूं कि अब मैं आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूं, खेल नहीं खेलना चाहता हूं। और ये बात कहने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला ने दूर से ही रश्मि देसाई को हाथ जोड़ दिया, और जिसका मतलब उन्होंने साफ कर दिया था कि बस अब हमारा साथ यहीं तक था। ये सब होने के बाद आरती सिद्धार्थ शुक्ला के पास आई और उन्होंने सिद्धार्थ से बात करने की कोशिश की कि सिद्धार्थ आखिर क्या प्रॉब्लम है। सिद्धार्थ ने आरती से कोई बात नहीं की, उन्होंने कहा कि ठीक है ठीक है, और ज़्यादा उनसे बातचीत करने की कोशिश नहीं की। तो ये बात थी कल के सारे एपिसोड की। और ये टास्क जीतने के बाद जो क्लिपिंग हमने देखी है उसमें अब ये बात हो रही है कि घर का कैप्टन कौन बनेगा, और इसी को लेकर सारी जो है कश्मकश चल रही है। तो आज के एपिसोड में हमें यही देखने को मिलेगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।